ठीक है। चलो हाँ ये लो। तो एक सेकेंड, हाँ ऑनलाइन पे बेटा ये PA2 आ चुका है ना भाई। PA1 का तो आई, PA1 तो आ ही जाएंगे भाई, PA1 के तो आईडी वही है, PA2 भी आ चुके हैं। ठीक है चलो, ठीक है ओके परफेक्ट। साउंड क्लियर है बेटा? ऑनलाइन साउंड क्लियर है? ठीक है। वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो सब क्लियर? ठीक है चलो ओके। तो ये हाँ 2 मिनट की एक बात चल रही थी कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स है ना, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स, अगर ये टॉपिक मैंने भी क्या कल ही कराया है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स PA2 में कराया है। ठीक है, तो PA2 का तो मुझे याद है, PA1 का भी मैं आपको बता दूंगा। एक मिनट रुको, इसका भी बता देता हूँ किस डेट का लेक्चर है। रुको तो वहां देख लो तो आपका क्या वो, एक मिनट रुको इसका भी बता दूंगा। नहीं, PA1 में मैंने और डिटेल में बताया था क्योंकि वो पहले चल रहा था, इनको तो क्या कल थोड़ा हमने खत्म करा था। एक मिनट रुको, उसका भी बता देता हूं मैं। PA1 को भी मैंने डिस्कशन के साथ पढ़ाया था पोस्ट ऑफिस, आप इसको तो फिर भी मैंने थोड़ा अलग लेके पढ़ा दिया। चलो मैं एक बार ग्रुप पे पूछ के बता दूंगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। तो ये पोस्ट ऑफिस अगर किसी को देखना हो तो ये PA2 का 31 अगस्त का लेक्चर देख सकता है, ठीक है ना मैम? ओके, तो ठीक है। वैसे भी आज 1-2 दिन बहुत सारी चीजें नई नई होंगी अभी हमारे साथ, तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ हो गया। हाँ चैट को ओपन अप प्राइवेट कर देते हैं, एक सेकंड बेटा। चलो ओके। हाँ भाई, तो ये 2 मिनट की तो बात हमारी चल रही कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स अगर पढ़ना है तो एक बार ये लेक्चर दे लेना। हालांकि अभी अपलोड हुआ नहीं है, वो अपलोड हो जाएगा, अभी हुआ नहीं ना शायद, PA2 है ना, अभी अपलोड हुआ नहीं है, तो जब भी हो जाएगा उसको देख लेना। तो ये एक्स्ट्रा लेक्चर में था, तो ये जब भी अपलोड हो जाएगा तो उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो इसको तो पोस्ट ऑफिस यहां से खत्म कर ले। अच्छा अब ऐसा है कि हाँ, अब ये PA1 वालों से जरा मैं 2 मिनट के लिए। अच्छा, अब एक तो चीज ये हुई है कि आपका JP02 सिर्फ अब एक ही, तो अब जो पुराना PA1 है, 2 मिनट में जरा उनसे सारी बातें कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऑनलाइन पे भी कुछ लोग आ रहे हैं जो कि मेरे लिए बिल्कुल नए हैं और उनके लिए मैं नया हूं। अरे पोस्ट ऑफिस में कराए ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटल 2 सवाल है, वो भी एडवांस के, वो भी 10 साल पहले आए थे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम था टेलीग्राम वगैरह में, वो टेलीग्राफ रेजिस्टेंस वायर निकालने का, वो जरूरत ही नहीं पड़ती अब तो, ठीक है ना भाई? हाँ, तो उसके उसके आपके रोल है ही नहीं बेसिकली। पोस्ट ऑफिस एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, इसलिए उस पर क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं।
देख लेना, इस पे एंड में मिलेगा आपको, ये 31 अगस्त के लेक्चर के बिल्कुल एंड पे मिलेगा आपको, एट एंड, इस लेक्चर के एंड में आपको पोस्ट ऑफिस पढ़ने को मिल जाएगा, तो वहां से एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये तो एक, ठीक है, ये तो एक समथिंग एक्स्ट्रा है इतना ऑब्वियसली, अरे बचे हुए कोर्स जो उसकी बात करेंगे हम, ये तो छोटी मोटी चीज है अभी। अच्छा हाँ, तो ऑलरेडी पीए वन जो है वहां पर बहुत सारी चीजें हो चुकी है, दो टीचर ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, साउंड क्लियर है पीछे अच्छे से, है ना, वहां पे भी क्लियर है। अब फाइनली वो मर्ज हो आके जो है मेरे पास आ गया बैच, तो मेरे बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था, सीआर के नाम है मेरा, मैं खुद आईआईटी दिल्ली से हूं, हाँ ठीक है, ये ऑनलाइन वाले भी नहीं पता कर लेंगे जरा, और ठीक है टीचिंग एक्सपीरियंस भी मेरा 10-11 साल का है कोटा के कोटा में, इसलिए बताया था मैं बातें कि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि यार कौन पढ़ाने आ गया हमको, है ना। तो छोटे से दो चार ब्रीफ पॉइंट में बताया जाता हूँ, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये एक तो पहली चीज समझ लेना पीए वन वाले की, ये जो राय था तुमने हमारे पहले फैला है कि एक टीचर दो टीचर, तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं बहुत फ्रेंकली उस पर चलता हूं, अगर कोई भी पीए वन, क्योंकि पीए टू तो मेरे ही बैच है, उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, और दिक्कत है भी तो बेचारे झेल रहे हैं, अभी भी झेलते रहे हैं। पीए वन वाले जो हैं, अगर उन्हें कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आए, तो बहुत सिंपल हिसाब है, क्या करोगे क्या करोगे, अरे बोलोगे, हमारे यहां प्रॉब्लम होगी तो बोलेंगे नहीं क्या, किसको बोलोगे? हाँ मेरे को बोलोगे तो सॉल्यूशन फिर भी हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे ही पता होगी ना कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो मुझे बताओगे तो मैं सॉल्यूशन में वर्कआउट कर लूंगा, तो वैसे तो यहां तो मुझे आइडिया कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। नहीं दोस्तों को नहीं बोलना, व्हाट्सएप ग्रुप पे चैटिंग नहीं शुरू कर देना कि इससे तो वही अच्छा था, है ना, वो सबकी कोई जरूरत नहीं है, आराम से खुल के बात करेंगे बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्चुअली में इस टाइम पर ऑलरेडी तुम नए नए टीचर से पहले पढ़ चुके, अब इस मोमेंट पे तुम्हारे टीचर चेंज, वैसे वो चेंज भी इसलिए करना पड़ा कि ऑप्शन नहीं था, बैचेस को कंबाइन करना था, तो वो फाइनली फिर वो पीए टू तो मुझसे पढ़ी जाता तो ठीक है, तो वो मेरे पास है भी बैचेस, कोई भी प्रॉब्लम कुछ आती है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि एक टीचर से हमारी ट्यूनिंग सेट हो जाती है। 11 में भी हुआ था, बीएसए प्रोफेसर जिनको पढ़ाते उनसे ट्यूनिंग सेट हो गई, एमबी सर का अलग स्टाइल है, मेरा बिल्कुल अलग स्टाइल है, सबके स्टाइल होते हैं, कोई बात नहीं मैडम ठीक है, तो आपको तो थोड़ा आप एडजस्ट करते हो, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी किसी को प्रॉब्लम आए मैं डांटता हूं, है हाँ मैं बहुत जोर से डांटता हूँ, ऑनलाइन तो मैं बहुत पिटाई भी करता था लोगों की, चलो खैर कोई बात नहीं, वो डांटते डांटते सब सेकेंडरी बातें हैं। तो पहली चीज तो ये है कि अल्टीमेटली टीचर से ट्यूनिंग सेट होनी चाहिए, डिफिकल्ट है इस मूवमेंट पर आकर के, इतना कोर्स हो गया कि कोई नए टीचर आए तो इतना, पर कोर्स बहुत ज्यादा बचा भी नहीं है, टोटल 11th का कोर्स 11th पूरी होगी, 12th भी हम मान के चाहे तो 1/3 तो हो चुकी है आपके, क्योंकि ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो बहुत बड़े टॉपिक थे, और करंट भी पीए वन में लगभग हो ही चुका है, तो इसलिए जो भी बचा हुआ कोर्स है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है क्लास में अंडरस्टैंडिंग को लेकर, क्योंकि मेरी क्लास के लिए सिंपल सा उसूल है भाई कि क्लास अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, क्लास अंडरस्टैंडिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम इतनी तो आती है कि समझ नहीं आया, अरे यही तो सवाल आता है दिमाग में, समझ नहीं आया बस क्या तुम, अब वो समझ नहीं आने के कारण ये होते हैं, या तो टीचर फास्ट हो गया, या जो टॉपिक था वो उसको समझा नहीं पाया, दो ही चीजें होंगी और तो कुछ ऐसा है नहीं, और या फिर बच्चा खुद ही वैसा बैठा हुआ हो कि मुझे समझा के दिखाओ, आज तक कोई नहीं समझा पाया तो तुम्हारी क्या वो है, तो एक अलग बात है भाई। तो ऐसा बच्चा तो ऑब्वियसली ना मेरे लिए कोई वैल्यू रखता है ना सिस्टम के लिए वैल्यू रखता है, जो सिंसियर है, जो सिंसियर उन्हीं के लिए बात हो रही है। और यार एक बात तुमने अब तक इतने सालों में तो इतना तो समझ ही लिया होगा कि जो आज पढ़ाया है वो कल पढ़ के आएंगे तो हमें क्या होगा, अगली क्लास समझ में आएगी। तो उसका तरीका ये होता है कि अपने डेली के डेली नोट्स रिवीजन करते हुए चलो, क्योंकि तुम जब मुझे बोलोगे ना कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है ये आ रहा है, तो मैं तो सीधे से पूछूंगा कि बेटा तुम्हारे रिवीजन डेली नोट्स रिवीजन मुझे नहीं पता कैसे करते थे, बट अब से रफ कॉपी में लिख के करोगे, एक तो फेयर नोट्स कॉपी बनाते हो आप, रफ कॉपी में लिख कर ये रिवाइज करोगे। हाँ स्लो है फास्ट है कुछ भी है, ये ऑनलाइन वालों के लिए भी सेम है, मैं कन्वे कर देना ठीक है।
हाँ नहीं ग्रुप पर तो मैं तुम्हारे ऐड हो ही जाऊंगा, तो हम एक कंबाइंड टेलीग्राम वो बना देंगे। कितने बच्चे हैं पीए वन में, कितने स्टूडेंट्स अटेंड करते थे क्लास, मतलब तुम्हें क्या बताओ, टूटे फूटे वो भी अलग अलग थोड़ा। चलो तो मैं इंफॉर्मेशन करवा लूंगा, कोई बात नहीं। पीए वन एमबीए वाले में कितने बच्चे होते थे, 35 समथिंग, और वीएस लूजर वाले में 70-80 थे। तो पीए टू में तो बहुत ज्यादा थे हमारे, इसीलिए बेंच दे रखे हैं हमको। ठीक है तो बस फिर तो ठीक है, फिर तो एक व्हाट्सएप ग्रुप दूसरा बना करके उसी पे या तो सबको रख देंगे, और पीए वन के ग्रुप पर भी मैं आ जाऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज है क्लास अंडरस्टैंडिंग, तो कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है पीए वन में से जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो क्या करेंगे, क्या करोगे, पूछेंगे, कब पूछोगे, नहीं क्यों क्लास के बाद भी शुरू के 15 मिनट में दिक्कत आ गई तो क्या करेगा उसको, तो ना तो आगे का सारे पोर्शन खत्म हो जाएगा। अरे तुरंत पूछोगे ना भाई, क्या दिक्कत है, ऑफलाइन आए क्यों हो। वैसे तो मैं तो ऑनलाइन भी डाउट बताता था। पीए टू कोई है क्या यहाँ पर, कौन है, ऑनलाइन डाउट बताता हूँ कि नहीं बताता, मैं बताया था ना, है ना, क्लियर कर देना इनको, है ना कि ठीक है भाई। तो ऑनलाइन तो डाउट में बताया था, कोई दिक्कत नहीं, बट जो कम से कम ऑफलाइन है वो तो हैंड रेस कर लो, और अगर रजिस्टर नहीं कर पा रहे तो बोल भी दो, कोई दिक्कत नहीं, सर डाउट है नहीं समझ में आया, सीधे बोलो नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो इतना बोल दो, उसके बाद की इंक्वायरी मैं कर लूंगा कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आया, पिछला रिवाइज करके आए हो कि नहीं आए हो, उससे पहले की जो चीजें वो ही नहीं आती है इसलिए नहीं आया, या शायद मैंने कुछ गलत बताया, मैं सही से नहीं बता पाया, वो तो फिर मैं बातचीत करके निकाल लूंगा। बट आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि हमें जो डाउट है वो हम क्या कर दें, क्या कर दें, बता तो दें। तुम प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो यार देखो मैं फिजिक्स का टीचर हूं, ठीक ठाक पढ़ा भी लेता हूँ, पर अंतर यहां भी नहीं हो, वो टैलेंट अभी अंदर आया नहीं है मेरे, शक्ल देख के बता भी देता हूँ उसे कई बार कि हाँ तेरे को डाउट है, तेरे को समझ नहीं आ रहा, बट अंदर क्या डाउट है वो नहीं समझा पाता। ठीक है ना भाई, कुछ को फिजिक्स की समस्या होती है, कुछ को घर की समस्या होती है, तो समस्या है वो समझ में आ रहा होता है, बट किसकी है और क्या है वो नहीं दिखता है। तो इसलिए जो भी चीज है वो पूछ लें। अच्छा, जो ऑनलाइन में बैठे हैं ऑनलाइन डाउट में अनम्यूट कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं करता बेटा, अनम्यूट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चैट बॉक्स पे अपना डाउट लिखो आराम से, मैं चैट पढ़ता हुआ चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई, हाँ अनम्यूट करती तो क्या है, अभी दो चार लोग तो गाने चालू कर देंगे, अभी टेलीकॉम कई बार डीजे बजा चुके हैं। हाँ नहीं मैं अनम्यूट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, हाँ नहीं मुझे पता है पीए टू वाले में भी कुछ इंसान है और सारे नहीं है, और पीए वन में भी ऐसे लोग होंगे जो कुछ इंसान होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो वो कोई बात नहीं, अपने कुछ नहीं, जो जो ऑनलाइन है डाउट चैट पे पूछ रहे हैं बेटा, और कोई नया तरीका नहीं है, कोई ऑफलाइन आए हैं हम, कोई नया तरीका नहीं निकल गया मार्केट में कि हाँ भाई हम ऐसे डाउट पूछ लें, तो चैट पे पूछते चले, जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उस पर डाउट अपने पूछते चले। ठीक है, अबे चैट बॉक्स में लिख देना बस डाउट, और क्या है, आज डिस्कशन क्या होगा बेटा, आज ये डिस्कस होगा कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है चलो, अच्छा डिस्कशन वगैरह भी एक बार के लिए होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि इस वीकेंड पे भी फिजिक्स की क्लास नहीं है, मैं 2 दिन लीव पर हूं एक्चुअली, तो आज और कल, तो मैं चाह रहा हूं कि हम फिजिक्स में एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है उसको शुरू करें और पढ़ लेते हैं। अच्छा अब ऐसा है कि तो ये तो हो गया रेगुलर चीज की भी क्लास अंडरस्टैंडिंग, और बाकी तो ठीक है होमवर्क डिस्कशन वगैरह सब रेगुलर चलता रहता है, वो रेगुलर होमवर्क मिलता रहेगा। अच्छा डीपीपी कहां तक तो हुई है यार, ये पीए वन में हो रही थी, पीए वन डीपीपी हो रही थी, नहीं हो रही थी, पूरी हो रही थी डिस्कस, अरे हाँ ना बोलो ना, क्योंकि मैं भी नहीं कर रहा था, अब बता दो पूरी डिस्कस हो रही थी, 11th के क्वेश्चन, 12th के क्वेश्चन, सारे कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, खैर इसलिए फिर पीछे भी चल रहा है वो भाई। देखो रेगुलर होमवर्क तो हम लोग तो शीट से करते हुए चलेंगे ही, क्या चीज नहीं, डीपीपी में एक्चुअली JP02 के अंदर मैं 11th डीपीपी के अंदर 11th वाले पोर्शन को छोड़ता हुआ चल रहा था, जो 12th के सवाल है, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं, टाइम था नहीं, अप्रैल में बैच चालू हुए थे तो उतना टाइम था भी नहीं हमारे पास, तो ठीक है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें कैसे करते हुए चल रहा है, कोई बात नहीं। और हो सकता है A5 तक हुई है, अरविंद बता रहा है A5 तक, बेटा तुम इतने तो छुट्टियों पे थे क्या बेटा अरविंद, तो A16 कौन सा एमबीजी सर वाला था क्या, उनके यहां पर डिस्कस नहीं हुई थी, वीएस सर ने, खैर कोई बात नहीं। देखो ऑब्वियसली देखो एक चीज समझना है यार,
बहुत सारे कारण है डीपीपी में बहुत ज्यादा फोकस ना करने का, पहले 12th तो बचाओ अपनी। बहुत सिंपल बात है भाई, मैं बहुत फोकस वे में पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि कौन सा बच्चा कहां स्टैंड करता है। जीपी 01 डीपीपी डिस्कस करता हूं मैं ठीक है, कोई बोले सर डिफरेंशिएट स्टूडेंट्स में, तो वो मैं नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली हमारे मार्क्स के बेस पर हो रखा है, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो बच्चा थोड़ा नीचे है वो ऊपर तक आ सकता है, बशर्ते सही रास्ता पकड़े। गलत रास्ते जाएगा तो और बल्कि ऊपर की जगह नीचे की तरफ जाएगा। तो मेरा जो फोकस है वो प्योरली 12th वाले पार्ट पर ज्यादा है। ठीक है, बट ठीक है, देखते हैं बैचेस मर्ज हुए हैं उसको कैसे आगे कंटिन्यू करना है। तो रेगुलर होमवर्क शीट से हमें मिलता रहेगा और डीपीपी में हमें देता रहूंगा। देखते हैं कि 11th वाला पोर्शन डिस्कस करना है या सिर्फ 12th पर ध्यान देना है, वो अभी अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, 06 बैच के बच्चे हैं आप भी जानते हो। अच्छा ठीक है, ओके, तो वो सब ठीक है। तो वो तो सेकेंडरी चीजें, इसमें कोई वो नहीं है। मेन चीज है हमारे पास कि जो टॉपिक चैप्टर चल रहा है वो समझ में आए। मेन चीज है कि जो 12th के पोर्शन हम चल रहे हैं, तो 12th के पोर्शन जो यार क्या है ये जो हम 12th वाले पोर्शन के चैप्टर्स कर रहे हैं, वो हमारे चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर होते हुए चले, इस पर हमारा मेन ध्यान है। बेलगाम इस रूम की ठीक है, तो इस पर मेन फोकस रहेगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं कह रहा हूं कि हमारी पहली जो चीज है, नहीं देखो मैं तो ऑलरेडी डीपीपी, ये ब्लू पेन, मैं डीपीपी जो है मेरे बैच में 826 तक पहुंच चुका हूं। वो इसीलिए पहुंच पाया क्योंकि मैं से 12th वाले सवालों को करा रहा था, वरना वहां तक भी नहीं पहुंच पाते फिर। तो वो इसलिए कि यार ठीक है 11th में जो हुआ सो हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है ना, और हुआ कुछ नहीं। 11th देखो 11th रिवाइज करना अपने अपने भी, ये ब्लू पेन ब्लू वाला चीज ठीक है, उसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि देखो बहुत क्लियर बता दो, डीपीपी सिखाने के लिए नहीं है। डीपीपी के सवाल इस लेवल के नहीं है कि आप उनसे कुछ सीख सको। डीपीपी अगर आपको आता है तो उसको इंप्रूव कर सकती है, बट खैर मैं इस बारे में अभी फिलहाल कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। मेरा फोकस जो है वो हमारे मेन शीट पर, तो शीट हम पूरी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। एक्चुअली में कल जो क्लास थी पीए टू की, उसमें करंट का डिस्कशन हुआ था, तो करंट का डिस्कशन ये कहां तक हो रखा है पीए वन के अंदर, करंट का डिस्कशन एक्सरसाइज वन, तो हमने एक्सरसाइज टू कल कुछ कुछ करी है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो डिस्कशन एक रहेगा, तो डिस्कशन जो अभी इस बैच के लिए हमारे पास चलेगा, तो वो डिस्कशन में हम एक बार तो करंट की शीट उठेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे पास अभी करंट की शीट है, वो जैसे भी क्या क्या करना है वो मैं सब बता दूंगा आपको, कि ना करंट का डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो ये कुछ बातें, हाँ सेक्शन ई आपने लिख के दे दिया, अच्छा सेक्शन एफ नहीं हो पाया था, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ रहा। वो वैसे सेक्शन एफ भी आपको यहां मिल जाएगा जेपी 02 के इस लेक्चर के अंदर, ये कल इसीलिए क्लास रखी गई थी, यहां आपको सेक्शन एफ का डिस्कशन भी मिल जाएगा क्लास अंडरस्टैंडिंग पर। तो वो क्लियर कर दिया कि जिसको भी जो भी डाउट है डीपीपी में क्या होता है छोड़ो, डिस्कशन के लिए क्या करना है वो सबको छोड़ो, पोस्ट ऑफिस में जिसको पढ़ने का मैंने वो ढूंढ के चीजों का तो मैंने बता दिया बेसिक कि भैया अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, डाउट है तो पूछेंगे, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन पूछेंगे चैट बॉक्स पे, ऑफलाइन वाले जैसे अब तक पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों कि नहीं समझ आ रहा तो हम क्या क्या रायते फैला सकते हैं, क्योंकि उसका कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद आपकी सीटों पर बैठा हूं और सिलेक्ट हुआ आईटी, इसलिए बोल देता हूं क्योंकि सिलेक्ट हुआ हूं, उस नदी को पार करा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भी कोई जो टीचर आते रहे सब स्मूथली एक ही टीचर चलते जा रहे हैं दो सालों तक, जी वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कोटा के मेरी भी तैयारी करी, टीचर्स बदल जाते हैं बीच में, अल्टीमेटली जो बच्चा एडजस्ट कर लेता है वो सक्सेसफुल रहता है। क्योंकि टीचर तो देखो बहुत सिंपल बात है, कोटा में जो 10-12 साल पढ़ा रहे हैं वो खराब होते तो कोटा में होते ही नहीं, बहुत सिंपल बात है। बट ठीक है, फिर भी मैं मानता हूं कि हो सकता है कि अगर मैं आपको नहीं समझा पा रहा तो मेरे में कोई कमी होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं जब दरवाजे से अंदर आया हूं तो मेरा पर्पस सिंपल है, वो जो 1.5 घंटा हम यहां पढ़ रहे हैं उसमें मैं आपको कुछ अच्छे से पढ़ा करके जाऊं और आपको वो बात क्या है समझ में आ जाए। तो अगर आपको समझ में नहीं आई तो मेरे लिए ज्यादा बड़ा टाइम वेस्ट है, नहीं समझ में अगर डाउट पूछोगे शीट करते रहोगे डाउट सॉल्व होंगे नहीं, तो डाउट पूछ पूछ के परेशान करोगे, तो वो टाइम मुझे ही देना है। तो इट्स बेटर कि जब प्रॉब्लम है उसको तुरंत वहीं पूछ के खत्म करें। ठीक है, पीए वन क्लियर इंस्ट्रक्शंस, तो कोई भी डाउट हो उसको तुरंत अपने पूछ लें और
अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दें, एक दो दिन लगते हैं, एक दो लेक्चर लगेंगे। मैंने भी अब वो चांस की बात है कि मुझे कहीं बाहर जाना था, मुझे नहीं पता था कि एक से चालू हो जाएगा, तो मेरे टिकट्स वगैरह सब बने हुए हैं, अदरवाइज मैं शायद अभी जाता भी नहीं, अगर ऑफलाइन पता होता चालू होने वाला है तो। बट इन्होंने तो सडनली करते हैं अचानक से, तो वो ठीक है, तो कोई बात नहीं, 3-4 दिन अपने ऑफलाइन वाले बच्चे एडजस्ट भी हो जाए रूम वगैरह पर, ऑनलाइन वाले भी जो भी एक दो दिन में हम पढ़ते हैं आजकल में उसको रिवाइज करें ढंग से। अब हम आते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो मेरे बारे में मैंने अपने सारी चीजें क्लियर कर दी है कि डाउट पूछते हुए चले वो बेटर है और अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दें। अब ऐसा है कि आपका लास्ट चैप्टर जो खत्म हुआ है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ऐसा है अगर ऑफलाइन नहीं हुआ होता तो मैं हीट ट्रांसफर पढ़ाता, जो चल रहा था वो चलता रहता तो मैं हीट ट्रांसफर पढ़ाता, क्योंकि हीट ट्रांसफर ऑनलाइन में सिर्फ 3 लेक्चर का टॉपिक है। बट अगर अभी मैं हीट ट्रांसफर में घुसा तो कम से कम 5 से 6 लेक्चर हमारे खाएगा वो। दूसरी बात, हीट ट्रांसफर जो है वो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, पूरी 12th जो सब लेना ना है नहीं, फिर लेना है ना, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आकर के जब सर्किट्स पढ़ने आगे ऑल्टरनेटिंग करंट मुझे पढ़ना है, तो वहां पर भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, इंडक्टर मिलेगा और कैपेसिटर मिलेगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक को हम एक बार होल्ड पे रख रहे हैं, और ये मैंने ऑलरेडी जो PA1 के भी PA2 को तो खैर ऑप्शन है भी नहीं, PA1 में भी मैंने ऑलरेडी MPA सर से इस बारे में बात कर ली है, हम डिस्कस कर लिया है कि हीट ट्रांसफर आपका एक बार मैं होल्ड रख रहा हूं, ऑब्वियसली कोर्स तो कराया जाएगा, फिलहाल के लिए एक बार हीट ट्रांसफर को रोक रहे हैं, क्योंकि हीट ट्रांसफर सही बात यह है कि आपको ये आइडिया है कि करंट के बाद हीट ट्रांसफर क्यों पढ़ा रहे हैं, हीट ट्रांसफर लेने का टॉपिक तब क्यों नहीं पढ़ाया, करंट के बाद क्यों पढ़ाते हैं, अच्छा ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक के बाद क्यों पढ़ाई, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक के बाद क्यों पढ़ाई, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार भाई, स्क्रीनशॉट 1 ले लो, और ऑफलाइन वाले जो अपनी आंखें ब्लिंक करके ले लो, ठीक है, अरे नोट करो ना ऑफलाइन वाले जो लिखा है बोर्ड पे तुम्हारे लिए तो है, ये डेट तो लिख लो कम से कम, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेना जरा, हटा रहा हूं मैं इसको, हाँ बिल्कुल एक दोनों से क्या थे रिलेटेड थे बिल्कुल, ठीक है ना भाई, ठीक है हटा रहा हूं इसको, कुछ नोट करने से है मतलब जो लगता है वो तो नोट कर लो उस चीज को। हाँ भाई, तो ऐसा है कि हमने क्यों पढ़ा इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन साथ में, क्योंकि फॉर्मूलाज क्या थे बिल्कुल सिमिलर, ठीक है, ठीक है नहीं थे, ये देखो जरा, तो अब क्या है हीट ट्रांसफर भी करंट के बाद इसलिए है कि उसका एक पोर्शन, तो जैसे इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रो में क्या था, इलेक्ट्रो में फॉर्मूला होता था के Q1 Q2 by R square, ग्रेविटेशन फॉर्मूला क्या बन गया G M1 M2 by R square, तो सारी चीजें हमें बहुत इजीली समझ में आती गई। वैसे ही क्या है जब आप करंट पढ़ते हैं ना, देखो करंट में क्या था, करंट में आप ऐसे पढ़ते थे, रेजिस्टेंस दे दिया एक, ये आई जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे हम, पोटेंशियल डिफरेंस ये मान लो यहां से यहां का डेल्टा V हो गया कुछ, ये पॉइंट सपोज A है, ये पॉइंट B है, कौन सा वाला हाइपर है, कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है, अरे पढ़ाई चालू होगी, हाँ करंट तो आना ही चाहिए ना, कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है, दे ए होगा ना, रेजिस्टेंस क्रॉस करोगे तो क्या होगा पोटेंशियल, गिरता है, पीए टू को तो आता है ना, करंट को आप ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बैटरी क्या होती है हमारे सर्किट की, अबे बैटरी क्या होती है सर्किट की, तो सर्किट में बैटरी क्या थी भूल गए क्या, PA2, अरे सर्किट की बैटरी को क्या लेते थे हम, अरे पी से क्यू जब जाओगे, पी से क्यू पोटेंशियल क्या होगा, पी से क्यू पोटेंशियल बढ़ेगा ना, अरे किसके इशारे पे चल रहे हो भूल गए क्या, मम्मी की बात मान रहे हो ना, ये मम्मी है ना सर्किट की, तो फिर जवाब क्यों नहीं आ रहा है, अब इसी ये हालत है, और क्या देखो ऑफलाइन ऑनलाइन वाले फिर भी जवाब दे रहे हैं, तो ये ऑफलाइन में जो आए कौन से बुद्धू वाले बच्चे आएंगे PA2 के, ऑनलाइन वाला तो बोल दिया मम्मी के साथ चल रहे हैं हम लोग, हाँ खैर चलो कोई बात नहीं, वो तो देखो टीचर का पढ़ाने का स्टाइल था, वो सब तो खत्म हो गया उसको जाने दो, तो डेल्टा वी जो बना वो क्या बन रहा है, वी ए
माइनस वी बी, तो ठीक है भाई, तो ये वी ए बी बन गया एक तरह से। और क्या वैल्यू आएगी इसकी, जल्दी बोलो, ये वैल्यू क्या आएगी? आई आर, आई आर आएगी ना, माइनस क्यों आएगी? ए को वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अरे ये सब तो काम आएगा ना आगे यार, ये तो लिखोगे, किसी को डाउट है यहां तो पूछ ले भाई, क्योंकि ये काम आने वाला है हमारे, चाहे हम करंट पढ़े चाहे हम रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस पढ़े भाई, बाकी ट्वेल्थ मैं ही कराने वाला हूं अब, आपको कुछ भी हो जाए, हम अगर ऑनलाइन भी होगा तो भी मैं ही पढ़ाने वाला हूं, तो ऑप्शन नहीं तुम्हारे वहां सब। पीए टू को तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिनको है वो बेचारे एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पीए वन वालों को कुछ हो तो बता दूं। अच्छा ऐसी यहां क्या लिखोगे, वी क्यू पी क्या लिखोगे? हाँ भाई, वी क्यू पी कितना लिखा जाएगा जल्दी बोलो, वी क्यू माइनस वी पी तो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक सेकेंड, क्या आएगा आंसर? पक्का प्लस ई, ठीक है ना भाई? अरे ये वाला पॉइंट क्या होता है, हाई पोटेंशियल वाला, ये क्या होता है, लो पोटेंशियल वाला, धीरे बातें सारी। अच्छा अब पहली बात तो ये कि भी करंट के बाद में हीट ट्रांसफर क्यों आता है, तो वो भी समझाता हूं। देखो हीट ट्रांसफर में क्या होगा, आपके पास ये एक बॉडी होती है हाई टेम्परेचर पर, एक बॉडी होती है कोल्ड टेम्परेचर पर, तो हीट कहां से कहां फ्लो कराओगे भाई, कहां से कहां? हाई से लो की तरह, तो ये हीट फ्लो हुई, तो यहां जो काम आई करा था वो काम यहां पर एच करता है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आई बराबर डेल्टा वी बाई आर। वैसे ही यहां जो डेल्टा वी है ना, वो डेल्टा वी यहां पर क्या बनता है, डेल्टा टी। टेम्परेचर डिफरेंस किसकी तरह बिहेव करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की तरह बिहेव करता है, तो ये एक रीजन था कि आपको ये चीज यहां पर साथ में पढ़ाई जाती है। बट अब तो इसमें क्या होता है, ये जो एच आप लिखते हो ना एच, तो ये एच की वैल्यू एक तरह से बन जाती है डेल्टा टी अपॉन आर। अब ये आर इक्विवेलेंट है एक तरह से, इसे सॉर्ट ऑफ आर इक्विवेलेंट कोई, तो यहां ये रीजन है। और ये भी सिर्फ कंडक्शन के अंदर होता है, ये पार्ट भी आपका सिर्फ कंडक्शन प्रोसेस में होता है, ये एक रीजन है कि करंट के बाद में हीट ट्रांसफर पढ़ाया जाता है। बट हीट ट्रांसफर में और भी कई मेथड है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, जिनका उस करंट से कोई संबंध नहीं है, तो इसको हम फिलहाल होल्ड पे रख रहे हैं ताकि हम ट्वेल्थ वाले पोर्शन को एक बार अच्छे से करते हुए चलें। और मैं ये भी इसलिए कर रहा हूं कि वो जो हमारे को ट्यूनिंग सेट करनी है, अगर मैं यहां घर ट्यूनिंग सेट करने में तो 5 के 6 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि ट्यूनिंग सेट का बहुत सिंपल उसूल है। अगर मैं पहले दिन से फास्ट हो, जैसे मैं पीए टू को पढ़ाता हुआ चल रहा था, अगर मैं वैसे ही पढ़ाने लग गया तो आप लोग सेट हो नहीं पाओगे, क्योंकि पीए टू 6 महीने से मुझसे पढ़ रहा है, उसको पता है कि यार सर का स्टाइल क्या है पढ़ाने का, कई बार कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो कि हाथों हाथ नहीं मिलते, तो उस बच्चे को पता है ना शायद ये जवाब आज नहीं तो थोड़े दिन बाद मिल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी होती हैं जो कि मैं आज बता देता हूं, जिसका आज के चैप्टर से कोई लिंक नहीं, आज के टॉपिक से कोई लिंक नहीं है, तो वो ये बच्चा समझ चुका है कि आज लिंक नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद वो काम आएगा, शायद पूरा लेक्चर उस पर चलेगा। तो वो चीजें अगर मैं हीट में घुसा, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो तरीका है टीचर्स का पढ़ाने का करंट के बाद में, तो कंडक्शन खत्म हो गया। अरे क्या बच्चा बताओ मुझको, फॉर्मूला क्या होता है इसका, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है एच बराबर एल बाई के ए डेल्टा टी। इसको क्या लिखोगे, डेल्टा टी अपॉन के ए बाय एल, ये तो लिखेंगे, तो के बाई एल क्या बन गया, तो इसमें क्या नया बचा, खत्म। पर मैं ऐसे खत्म करना चाहता नहीं, समझ रहे हो ना भाई, अभी पी वन के लिए ऐसे खत्म कर दिया मैंने, तो जो बाकी 2 ही 6 थे यार ये क्यों आ गए, कम से कम पढ़ा तो रहे थे ना वो। हाँ तो इसलिए मुझे इस चैप्टर को इग्नोर अभी स्किप, क्योंकि अगर मैं घुसा डिटेल में तो ये 5 से 6 लेक्चर खा जाता है, तो कोई मतलब नहीं इस समय। ट्वेल्थ तो ऐसा नहीं कि हम नहीं करने वाले, करेंगे बिल्कुल, और CAA06 परेशान ना हो, मुझे पता है कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन भी मैं नहीं भूलूंगा, आप भली भूल जाओ, तो इसलिए कोई चिंता ना करे। मेरे को तो पता है कि आपके वो 2 टॉपिक मुझे कराने, तो मैं कराऊंगा, बस वो टेंशन मेरा है तो ये। लेकिन वो बच्चे जानते हैं जो कि मुझसे इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर ने कह दिया है तो वो हो जाएगा काम, ठीक है ना भाई, तो इसलिए कोई परेशान नहीं होना है, मुझे सब पता है कि क्या क्या बचा हुआ है। तो इस हीट ट्रांसफर को फिलहाल हम होल्ड पर रख रहे हैं,
तो हीट ट्रांसफर वाला टॉपिक आपका होल्ड पर है एक बार के लिए, क्योंकि क्या है कि एक बार ट्यूनिंग सेट हो जाएगी ना तो इसको हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हीट ट्रांसफर हम होल्ड पर रख रहे हैं। अच्छा बाकी समझ में आएगा कंडक्शन का मेथड, आई बराबर डेल्टा वी बाई आर और एच बराबर डेल्टा टी बाई आर। तो सेम क्वेश्चन आते हैं, पता है आपको, ये देखो ये क्वेश्चन करते थे आप, ये मान लो ये कोई सर्किट के तीन वायर निकल रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे करंट I1, I2, I3, क्या लिखते हो आप, I1 plus I2 plus I3 कितना लिखते हो, लिखते थे, पता है आप कैसे सवाल आएगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस, ये दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस, वो पता है क्या पूछेगा, इस पॉइंट को क्या बता दो, बीच वाले पॉइंट को क्या बता दो, टेम्परेचर बता दो। तो एक तरह से क्या मैं इसको 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट और क्या बताना है इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्या यूज करते हैं मेथड, कुछ याद है, नोडल मेथड पढ़ा होगा ना करंट में, किसका इस्तेमाल कर लेंगे हम नोडल मेथड का, क्या लिखेंगे अब की बार हम कि हाँ यार टीजे हो गया, ये एच वन करंट हो गया, ये करंट हो गया कोई एच वन, ये करंट कोई एच टू, जंक्शन रूल लगाना है और क्या, ये करंट क्या है एच थ्री, खत्म। तो एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री क्या कर दोगे, जीरो कर देंगे, H1 plus H2 plus H3 क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। पर अब सच्चाई यही है कि मतलब ज्यादातर लोग करंट के आपका पर्पज ये है कि यहां पर कंडक्शन खत्म ही कर दिया, बट मैं ऐसा करना ही चाहता ना, PA2 में करूंगा और PA1 में तो बिल्कुल भी नहीं करता, तो इसलिए इसको नोट कर लें तो जरा स्क्रीनशॉट टू। तो इसको तो हमने रख दिया है होल्ड पर फिलहाल, नेक्स्ट चैप्टर जो हम चालू कर रहे हैं वो है आपके पास क्या है, क्या है, कैपेसिटेंस। सो द न्यू चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटी मतलब क्या है, एक तरह से होल्ड करने की ताकत। अब पहली बात तो ये कि देखो, अगर तुम ऑफलाइन आ गए हो और मेरे सामने बैठे हो तो यह संभव नहीं है कि आप नोट्स कॉपी ना करें, क्योंकि बोर्ड पे लिखी हुई हर एक चीज किसके लिए है, किसके लिए है, हाँ मेरे को तो आता है सब यार, मैं थोड़ा मेरे रिवीजन दोनों लिखा है मैंने, ठीक है ना भाई, ऊपर से फ्रंट डेस्क पे भी आप बैठ गए हो, कॉपी करो नोट्स बनाओ ना, हाँ ठीक है, वैसे चालू हो जाएगा कोई बात नहीं, लास्ट में बैठे हैं ना, नोट्स बनाने हैं बस। पर ये एक बहुत बड़ा रीजन है कोटा से सिलेक्शंस का, क्योंकि ऑनलाइन कईयों ने बहुत गोल करा है ना, कुछ सिंसियर हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि नोट्स सिंसियर नहीं है, पर वो ठीक है, कई लोग तो सिंसियर ही नहीं थे। तो यहां क्या है कि वो जो इनसिंसियर है ना, वो जो जिन घोड़ों पे लगाम लगानी होती है वो काम ऑफलाइन में हो सकता है ना, कितने भी वाले घोड़े हों उछल कूद वाले, उनको हम लगाम लगा देते हैं वो काम, लेकिन ऑफलाइन में हो सकता है, ऑनलाइन में नहीं हो सकता, हाँ ठीक है ना भाई, ओके। अब कैपेसिटेंस का यूज, अब आपने अगर एनसीईआरटी देखी हो तो कैपेसिटेंस बताया वो कहां दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे दे रखा है, जबकि जेई एडवांस की जब हम तैयारी करते हैं तो करंट के बात पर आया जाता है, क्योंकि वो होता है आधा अधूरा, हम करेंगे उसको पूरा, ठीक है ना भाई, तो इसलिए अब हम कैपेसिटेंस पर आ रहे हैं। तो कैपेसिटेंस पेपर से पढ़ते हुए चलेंगे बढ़िया से, So, कोई भी किसी को कहीं डाउट वाउट अब आते हैं, अब हम फ्री हैं, अब तक जो भी चीज है उसके लिए कोई डाउट पूछोगे भी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने ब्रीफिंग दी थी कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है, बाकी तो अब नया चैप्टर चालू कर रहे हैं हम लोग कैपेसिटेंस, तो वहां से अपनी चीजें पूछते हुए चलो चलो, तुम उसको छोड़ दो टोटल कैपेसिटेंस में कितने लेक्चर लगेंगे, अब तो आप ये लग रहे हैं और ये होल्ड पर है भाई, खत्म नहीं हो गया है, हो सकता है कि मैं कैपेसिटेंस खत्म करते ही पढ़ा दूं, या हो सकता है कि ट्वेल्थ में हम एक बार पोर्शन कर लें, क्योंकि नवंबर में आपका बोर्ड्स भी है, तो मैं नहीं चाहता कि हम 5-6 लेक्चर इसके वो करें अभी, या एक बार हम सेट हो गए तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेकर भी मेहनत कर सकते हैं ना यार, तो एक्स्ट्रा लेकर के जैसे भी एक बार पहले हम लेकिन सेट हो जाए, हमारे ट्यूनिंग जम जाए ना, अगर उसमें क्रिकेट पिच पर क्रिकेट खेलते हो ना, है ना, कुछ एक बैट्समैन जाते ही रन बनाना चालू करते हैं 20-20, पर मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूं और किसी को लग रहा हूं अभी भी, आपने 2 साल पहले भी टेस्ट मैच कहा था, तो अभी भी 8 महीने हैं जी एडवांस, कम से कम कितने जी एडवांस की बात करें, अभी क्या है सितंबर है, अगले साल का जी एडवांस कब होगा, जून जुलाई अगर सब सही रहा तो
10 महीने अभी भी हैं, 10 महीने कोई छोटा टाइम नहीं है। अरे 9 महीने में नई लाइफ आ जाती है भाई दुनिया में। तो तुम्हें तो सिर्फ अपने को क्या करना है, उस जी एडवांस के लिए और थोड़ा गंदा भी डांट देता हूं। तो डांट इन्होंने झेली है, अप्रैल के अंदर जब आए थे, तो वो डांटना जरूरी है अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो। सिर्फ इस बात पे मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं। कोई भी और डाउट है आपको, आपको मुझसे ये भी पूछना है कि सर हीट ट्रांसफर अभी क्यों नहीं करा रहे हो, आपको वो भी चीज पूछने में उसका भी जवाब देने को रेडी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे पास तो हर चीज का रीजन है। आपको कोई मैं पढ़ा रहा हूं आपको नहीं समझ में आया, पूरा हक है पूछने का। अरे आए क्यों हैं हम, और स्पेशली जो ऑफलाइन आए हैं वो इसलिए तो आए हैं क्योंकि ऑनलाइन पे डाउट की बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल बेटा, हीट कमिंग मस्ट बी इक्वल टू हीट आउट। अच्छा एक और चीज, करंट में आपको स्टेडी स्टेट समझाई गई थी, स्टेडी स्टेट का बताया होगा ना। अरे जितना करंट जा रहा है उतना ही तो क्या आएगा, बाहर आएगा। तो ये भी जो आप जो हीट पढ़ रहे हो ना, ये कहां पे पढ़ते हो आप? स्टेडी फ्लो में पढ़ते हो, ये भी आप स्टेडी फ्लो में पढ़ते हो, ये चीज भी आप, दिस इज ऑल्सो स्टेडी स्टेट फ्लो, ये जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो। तो अगर कोई मुझे बोले कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैंने समझाया भी नहीं है। मैंने कंडक्शन ना शुरू कराया ना खत्म करा है, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि करंट के बाद में क्यों कराते हैं। आराम से पढ़ेंगे कंडक्शन, पूरा एक लेक्चर पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे गड़बड़ी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात है। चलो अब हम आते हैं कैपेसिटर पर, और क्योंकि अब मुझसे किसी ने बोर्ड की बात छेड़ दी, तो मैं 2 मिनट उस पर बात कर लेता हूं। चलो भाई चलो, ओके। मेरी रैंक कितनी आई थी का जवाब आज नहीं देता मैं, सारे जवाब हाथों हाथ नहीं मिलते। पहले मैं जरा ये देख लूं कि तुम इस लायक भी होगे नहीं तुम्हारे डाउट से। चलो तो चैप्टर तुम्हारे पास कैपेसिटेंस। अब ऐसा है कि भाई ऑब्वियसली बोर्ड वाली चीज आ रही है, हालांकि बोर्ड के लिए कोई घबराए नहीं, क्योंकि जो बोर्ड है तुम्हारा, जो तुम्हारा बोर्ड है वो फुल सिलेबस नहीं है। हाँ वो सिर्फ टर्म वन ही है। तो टर्म वन के आपसे हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, बस उतना ही आपके टर्म वन में। मैं पहले चेक कर चुका हूं, क्योंकि कोशिश जनरली क्या होता है, दिसंबर तक कोर्स खत्म होता है, ये फिक्स है ट्रेंड, इसमें कोई वो नहीं है। 12th का कोर्स है, दिसंबर तक खत्म करते हैं हम लोग, तो अभी भी उसी में होगा। वो अलग बात है, अगर बोर्ड के चक्कर में छुट्टियां उठे आगे तो एक डिफरेंट चीज है। इसलिए मैं पहले फोकस कर रहा हूँ 12th वाले पार्ट पे, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि, और हीट ट्रांसफर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ेंगे आराम से। चलो अच्छा, बोर्ड के रिगार्डिंग में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो बोर्ड प्रिपरेशन के लिए देखो, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, अब आपके टाइम पे मैटर करता है। बाकी मैंने मेरे बैचेस को जो बोला है आप भी यूज कर सकते हो। देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपका हो चुका है, इलेक्ट्रो आपका हो चुका है, अब आया करंट लास्ट टॉपिक जो था। तो यार देखो, अब इन दोनों के लिए टाइम है नहीं, ज्योमेट्रिक इलेक्ट्रो के लिए मैं अभी टाइम नहीं बोलूंगा। करंट के लिए कैसे रेडी करना है अपने आपको, मैं बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। बस देखो जब आप जी एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हो ना भाई, कोटा आकर के, कोटा के इंस्टीट्यूट जुड़ के उन टीचर से पढ़ रहे हो जो खुद या तो IITian है या कईयों को बना चुके हैं, है ना भाई, इतना तो कराइए। चाहे कोई टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, अगर 8 साल से पढ़ा रहा है, खुद IITian ना भी हो तो भी कई IITian से प्रोड्यूस कर ही चुका है, तो ही इज हैविंग गुड इनफ एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनसे भी पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, उन्होंने सबने बहुत अच्छे समझाया आपको। ये हमें एडवांटेज होती है जब हम JEE की कोचिंग करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब बोर्ड भी आता है, मुझे शायद कुछ पार्ट तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूरे ऑब्जेक्टिव कर देंगे अब की बार से, है ना? शायद अब क्या, तो पूरे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, बट ठीक है। देखो बोर्ड की प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफरेंट, डिफरेंट ये है कि आपको चीजें याद होनी चाहिए एक्चुअली में, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बोर्ड की तैयारी के लिए। जैसे करंट चैप्टर हो गया ना आपका, करंट सप्लाई रेडी है बिल्कुल, कंप्लीट कर चुके हो। तो मैं तो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता हूं, मुझे कोई टीचर समझाता, तो मैं तो अगले जो 3 दिन है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे फिर से क्लास नहीं है, तो सिंपल सा काम करना होता है आप बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। आपको करंट के लिए एक कोई भी 12th क्लास की रेफरेंस बुक उठा लो, 12th क्लास की रेफरेंस बुक उठाओ। देखो ये तैयारी भी मैं ऐसे नहीं कि आज पहली बार बता रहा हूं, 10 सालों से मेरा जो 12th का बैच होता है उसका बच्चा बोर्ड
दिसंबर में खत्म कर देता है, क्योंकि मैंने पहले बोला मैं पढ़ाता हूं सिलेक्शन के लिए। वो बच्चा जो वीक है सिलेक्ट हो जाता है, और जो अपने दम पे सिलेक्ट हो सकता था वो रैंक लेकर के आता है। क्योंकि रैंक खराब कहां होती है, जब जनवरी फरवरी मार्च में जेईई मेंस से पहले अगर आप बोर्ड पढ़ने लगोगे तो जेईई मेंस में रैंक लेकर के नहीं आ पाओगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि एग्जाम देना जेईई मेंस वाला और तैयारी चल रही है बोर्ड लेवल की, तो कहां से आएगी। तो इसलिए मैं सिंपल सा रूल फॉलो करवा चलता हूं कि जो जो चैप्टर होते गए, ऑप्टिक्स हुआ, टाइम होता है, टाइम की कोई कमी नहीं होती है, उसके तुरंत बाद ट्वेल्थ के रेफरेंस बुक उठाओ, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में करंट पूरा चैप्टर करंट वाला क्लियर पड़ा है भी हमारे पास। तो एक तो उसका क्विक रिवीजन हो जाता है, और कुछ नहीं करना, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लो, बस खत्म। इतनी तैयारी करनी है। और ये भी मुझे पता है कि पीए टू में भी कम से कम 5-6 बच्चे तो ऐसे हैं, मुझे नहीं पता वो यहाँ आए नहीं आए, यहां तक मुझे उम्मीद है वो आए भी नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो ऑनलाइन अच्छे से पढ़ रहा है उसको ऑफलाइन में पर एक्सपोजर की जरूरत भी नहीं है, वो अपने वो दो टॉपिक ऑलरेडी बहुत बढ़िया तैयार कर चुका है। दिसंबर तक आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा, द मूवमेंट मार्च में बोर्ड अनाउंस होगा, ठीक है। अभी तो क्या डिफरेंट चल रहा है, जनवरी फरवरी में हाथ कहां पर होते हैं, अरे बोर्ड तो पढ़ाई नहीं, बोर्ड तो पढ़ाई नहीं, अरे बोर्ड में क्या नहीं पढ़ा, करंट बदल जाएगा, बैटरी बदल जाएगी, या प्लस आई आर माइनस आई आर हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ होगा क्या, या वही वोल्ट मीटर रहेगा, वही एमीटर रहेगा, वही किलोमीटर रहेगा, या अलग हो जाएगा, वहां पे लिखा आएगा ट्वेल्थ है, जी का किलोमीटर अलग होता है, ट्वेल्थ का किलोमीटर अलग होता है, ट्वेल्थ में हम सर्किट घूमते हैं तो अलग तरीके से घूमते हैं, जेई में हम सर्किट अलग तरीके से घूमते हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, कुछ और हो जाएगा वो जो, या ऐसा है कि भाई ट्वेल्थ के अंदर तो वायर के अंदर कुछ और प्रोटॉन फ्लो करते हैं और जेई में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना, कॉन्सेप्ट तो वो के भी रहेंगे। तो जब कॉन्सेप्ट वही है तो सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करती है और कुछ भी नहीं, वो प्रैक्टिस हैंड टू हैंड कर लोगे तो बहुत फायदे है मेरे होंगे, ठीक है जी, ओके। तो उसका जवाब दे दिया है, बाकी ठीक है, वैसे अभी आज कोई जरूरत थी नहीं इस चीज की, बट चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से अपना अब मैं इसलिए बता रहा हूं, करंट आपका हो चुका है तो टाइम है उसको रेडी कर ले, हम तो कैपेसिटर चालू कर रहे हैं। अच्छा, अब कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, ये दो नाम से हम टॉपिक को कर सकते हैं, क्या फर्क है, कैपेसिटेंस क्या और कैपेसिटर क्या है, कोई बताएगा मुझे इन दोनों में फर्क क्या है, कि व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज अ कैपेसिटेंस। हाँ, कैपेसिटेंस तो क्या है, प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, और कैपेसिटर क्या है, डिवाइस है, रजिस्टर भी एक डिवाइस होता है, बैटरी भी एक डिवाइस होती है, सर्किट में जो भी कुछ लगाते हो अपने आप में क्या होता है, डिवाइस होता है, और क्या होता है, डिवाइस बोलते हैं कुछ लोग, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना भाई। तो कैपेसिटेंस तो क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी, और कैपेसिटर क्या है, आपके पास डिवाइस है, ठीक है ना भाई। ये तो एक बेसिक चीज हो गई उसके बारे में। चलो इस बोर्ड वाली चीज को तो हटाएं हम, जरा कॉपी करना है किसी को तो कर ले जरा, कि बोर्ड के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो मेरा स्टूडेंट तो, और मेरे स्टूडेंट से मेरा मतलब है, ऑब्वियसली हर साल क्लास में 100-150 बच्चे बैठे होते हैं, मैं उन सिंसियर वालों की बात कर रहा हूं भाई। कुछ लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं पर उनको तरीका ही नहीं पता अच्छा करने का, तो एज ए टीचर रास्ता दिखा सकता हूं मैं, तो रास्ता दिखाया तो मैं तो, कि भाई ये वाली चीज कर ले बस, बाकी सारे इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे, तो कई दिनों तक तो पढ़ना है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलते रहेंगे, उनको फॉलो करते रहें। बट कोई अगर ट्वेल्थ अपनी करना चाहे तो करंट काला टॉपिक अभी अभी हुआ है, कुछ नहीं करना, 3 दिन है, 3 दिन में तो पूरा करंट निपटा दोगे ट्वेल्थ लेवल का। तो शीट उठाओगे ना रेफरेंस वो प्रीवियस ईयर की, उसमें एक प्रूफ मिलेगा तुम्हें, इक्विवेलेंट बैटरी का प्रूफ कर दो जो कॉपी में करा है, इक्विवेलेंट बैटरी हमने यूज भी करी नहीं करी है, E1/R1+E2/R2, तो सारी बेसिक, बल्कि नोडल वोडल जो तुम्हें आता है वो तो और फास्ट वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए ट्वेल्थ के अंदर तुम कौन से कॉन्सेप्ट समय आते हैं सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो वो भी अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया, बट स्टिल एंड में प्रेशर ना आए, बेटर है ट्वेल्थ के रेफरेंस बुक खत्म कर दो। चलो खैर आ जाते हैं हम, PA1 में नोडल नहीं बताया, ठीक है। अरे PA1 में वो कोई बच्चा कह रहा है नोडल नहीं बताया, ऐसा है क्या? हाँ मतलब नोडल एक्चुअली में, एक मिनट, नोडल मैंने क्या बताया अभी तुम्हें, नोडल क्या होता है, ट्रिक, किरशॉफ को लगाने का एक और तरीका, बस और कुछ भी नहीं हुआ। नोडल किरशॉफ इक्वेशन यूज करते हैं उसी को लगाने का एक और तरीका है, और कोई बात नहीं, अगर नोडल नहीं भी है तो कैपेसिटर में काम आ जाएगा बिल्कुल,
ठीक है ना भाई। हाँ ओके। अरे एक्चुअली क्या है, नूडल को हो सकता है कोई और टीचर किसी और नाम से बताता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्टीमेटली जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है ना सर्किट किरचॉफ लॉ के अलावा, वो सिर्फ सारी की सारी क्या है, ट्रिक्स ही तो है और क्या है। नोडल बताया होगा एक, हमने क्या पढ़ा सिमेट्री पढ़ते हैं, और क्या पढ़ा इक्विलिब्रियम बैटरी। इक्विलिब्रियम बैटरी तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तो इक्विलिब्रियम बैटरी भी प्रूफ तो किससे होता है, किरचॉफ लॉ से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो भी प्रूफ कहां से होता है, किरचॉफ जंक्शन रूल से। जंक्शन रूल बोल दो किरचॉफ रूल बोल दो एक ही बात है, किरचॉफ रूल के दो रूल से, एक जंक्शन और एक क्या केवीएल वोल्टेज लूप रूल, ठीक है ना। मैं ये दो चीजें पढ़ते हैं हम। चलो अब ऐसा है, एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं। देखो अब इस चैप्टर को अगर हमें समझ रहे हैं अच्छे से, तो इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। वो क्या है, हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें आता हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बताया था अभी बता रहा हूं मैं। अब यहां फर्क है, वो यहां मैं थोड़ा सा रिव्यूजन करा दूं कि PA1 थोड़ा नया है तो कुछ नहीं करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि ये थोड़ी बहुत चीजें। अब ऑब्वियसली बात है एनसीईआरटी में इस टॉपिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में दिया है, पर तो कोई तो कारण होगा ना इलेक्ट्रो के बाद में देने का। हम तो क्यों पढ़ रहे हैं करंट, क्योंकि सर्किट पढ़ने हैं हमें, और सर्किट पढ़ने तो करंट आना जरूरी है बहुत अच्छे से। चलो देखो इलेक्ट्रो में कुछ बातें जो मैं यहां पे जो काम आने वाली है वो बता दो, ऑब्वियसली पूरा इलेक्ट्रो होना रिवाइज कराऊंगा कोई मतलब भी नहीं है। कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रो वाला पोर्शन आपके काम आएगा, एक तो मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस ई डॉट डी आर, ये लिखते हैं हम, दिस इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अच्छा बात बताओ जरा मुझको, मॉड डेल्टा वी को सिंपली मॉड लिखे लिख सकता हूं क्या, मॉड ऑफ ई डॉट डी आर। क्या हमें कॉमन सेंस से पता नहीं पड़ता कि कौन सी चीज हाई पोटेंशियल है कौन सी चीज लो पोटेंशियल है, बताओ भाई कॉमन सेंस से पता पड़ता ही नहीं पड़ता कि कौन हाई और कौन लो है। अरे पता तो पड़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही पता जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है, डिक्रीज होता है। इसीलिए मैंने हीट ट्रांसफर को रोका है, क्योंकि हीट देखो PA1 मेरे लिए नया बैच है, और PA2 को भी मैं समझाऊंगा तो अभी ढंग से तो समझाऊंगा, और PA2 में मुझे पता है कि कितने बच्चे कैसे हैं। वो इलेक्ट्रो मैंने खत्म करा है, उन सब ने नहीं करा है, और ऐसा सब बैचेस में होता है, टीचर खत्म कर देता है बेचारा, और ऐसा नहीं कि निपटा है अच्छे से तरीके से, पर सारे बच्चे थोड़ा हैं जो रेगुलरली काम करते हुए चल रहे होते हैं, 2 दिन रिवाइज करते हैं फिर 3 दिन बाद होश आता है, अरे संडे को पढ़ेंगे, फिर संडे तो वैसे ही निकल जाता है, फिर मंडे का नया हफ्ता चालू हो जाता है, तो बच्चे की जिंदगी अपनी कहानियां चलती रहती है। तो हम तो खत्म करते हैं, अब जो बच्चे हमारे साथ साथ खत्म कर देते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो प्लानिंग करते हैं कि मैं अगले वीकेंड खत्म करूंगा, वो वीकेंड आके रुकता है जी एडवांस के पेपर पे, उससे पहले वो कभी वीकेंड आता ही नहीं है, और तब तक तो बहुत देर हो जाती है ये ना। तो इसलिए जो बच्चे साथ साथ चलते उनके लिए बात करता हूं चल रहा हूं, तो इसीलिए इसके अंदर भी यही, इसलिए मैं इस चैप्टर से पहले के सब चीजें बताना चाहता भी हूं, चाहे वो PA2 हो चाहे PA1 हो, मुझे वैसे ही बतानी होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कहां से कहां होती है भाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो कम से कम वो जो हमने टाइम बचाया है मैं उसको इस चैप्टर में यूज तो कर लूंगा ना यार। अब सर्किट भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा, तो अलोंग फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो बहुत आसान है इससे निकालना। अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो तो क्या लिख देंगे फॉर्मूला, अगर यूनिफॉर्म है तो ई नॉट इंटू डी लिख सकते हैं क्या हम, अगर ई क्या हो, अरे ई क्या हो, यूनिफॉर्म फील्ड हो, यूनिफॉर्म फील्ड, अरे हाँ के ना क्या हो गया, अरे कैपेसिटर यहीं से शुरू होगा, पे दो प्लेटें दिख रही होंगी, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, इनके बीच में फील्ड लिखोगे वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, मैं लिखूंगा ई नॉट डी। अच्छा ई नॉट डी कैसे, तो मैं ये रिएक्शन नहीं चाहता हूं, वो रिएक्शन देना है तो यहां अभी दे देना, या क्या करके आओगे इसको एक बार। हाँ समझ रहे हो ना, क्यों बता रहा हूं कि आपको यह बताओ कि मुझे कितना आना चाहिए। अब नहीं आता यार, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि चलो भी लट्टो पढ़ाता हूं फिर वापस से,
आओ भी पीए वन आया है, नया बैच आया है, इनको इलेक्टर ऑफिस पढ़ाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। और ना ही वो करना ना उनके लिए सही है, ना मेरे लिए, ना पीए टू किसी भी बैच के लिए इन जनरल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। बस इतना, लेकिन ड्यूटी मेरी जरूर बनती है कि आपको बता दूं कि ये चीजें हमसे रिवाइज करके आओगे तो फायदे में रहोगे, एक पोर्शन को दिक्कत। अच्छा दूसरी चीज, एक बात बताओ जरा, प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज देते हैं तो क्या होगा उस पर, क्या मानते हैं हम, कितनी सरफेस मानेंगे एक कंडक्टिंग प्लेट पे, कितनी सरफेस, दो सरफेसेस, कंडक्टिंग प्लेट कितनी, दो सरफेसेस, तो क्या बनती है, शीट ऑफ चार्जेस। अरे ध्यान है कि नहीं, दूसरी चीज जो हमारे काम आएगी वो आपके काम आएगा एक कॉन्सेप्ट, शीट ऑफ चार्जेस, पढ़ाया ना इनफाइनाइट शीट, तो ये देखो शीट, ये शीट किसकी बनी हुई है, मैंने अभी कोई कंडक्टर वंडक्टर नहीं कहा, मैं ये शीट किसकी बनी हुई है, चार्जेस की, सिग्मा डेंसिटी, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, कितना आता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी बताओ, ई कितना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो ये क्यू चार्ज होता और एरिया ए होता तो सिग्मा कितना बनता, क्यू बाई ए बनता। आती हैं चीजें, ठीक है, और नहीं आते तो क्या करके आएंगे उसको एक बार ढंग से डिवाइस करके आएंगे हम, और क्या है, खत्म। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ, आखिरी टॉपिक क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। अब एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, पीए वन वाले आंसर दे तो ज्यादा अच्छा है। एक बात बताओ, मान लो कि मैंने आपको ना ये एक कॉपर का कोई 3D शेप दे दी, ये कोई कॉपर की 3D शेप है, जो रेड कलर है ना, ये कोई कॉपर की 3D शेप, ठीक है, रेड कलर इज कॉपर, जो रेड पार्ट है वो कॉपर है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स है ना, पीए वन ऑफलाइन वाले, अब ऑनलाइन तो कौन दे रहा है पता नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो रहेगा मेटल के, क्या बोलते हो आप, अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, है ना, अंदर से क्या मतलब, मास्क हटा के बोल सकते हो, कहां पे जीरो होगा, रेड लाइन पे, मतलब वो जो रेड पोर्शन है, यहां जीरो नहीं होगा हमेशा, हमेशा की बात हो रही है यहां, हाँ ये तो कैविटी है, अरे यहां चार्ज रख दूं अभी तो फील आ जाएगा, समझ रहे ना, जब आप ये पहली लाइन पढ़ते हो ना, कंडक्टर प्रॉपर कंडक्टर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, अरे इनसाइड कंडक्टर से मतलब है जहां जहां पर क्या है, मेटल है, तो एक्चुअली में अगर मैं इसको जूम करता हूं तो ये डायग्राम आपका यूं बनेगा, ये जो आपने पतली सी शीट दिखाई है ये वास्तव में ये है, उसके पास थिकनेस होगी, अरे उस मेटल की थिकनेस तो होगी कि नहीं होगी, तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, बिल्कुल, थैंक यू बेटा सही आंसर देने के लिए, ये जो रेड पोर्शन है ये वाले पोर्शन में फील्ड क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा, पहले तो इस बात को समझना, इस पोर्शन पे ई क्या है, हमेशा जीरो। अब चाहे तुम्हारी कैविटी में चार्ज हो कि चाहे बाहर कोई फील्ड हो कि ना हो, अगर तुम्हें यही नहीं आता होगा तो तुम वो प्लेट कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो कैपेसिटर की तुम बात कर रहे हो ना, वो एक कंडक्टर होता है, इट इज अ कंडक्टिंग बॉडी, जो कि हो सकता है कि प्लेट फॉर्म में हो या सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो या फिर एक स्फीयर की फॉर्म में हो, बट वो एक कंडक्टिंग बॉडी होती है, ठीक है बात, तो इसलिए पैसे का हमें कंडक्टर के बारे में पता तो हो ना, तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो है, जहां जहां पर क्या प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है। अब चाहे इस कैविटी में मैं कुछ रखू चाहे नहीं रखू, बाहर कुछ है कि नहीं है, इस रेड पोर्शन में फील्ड क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो जैसी मैं दो प्लेटें लेता हूं, ये दो प्लेट्स, अभी आऊंगा कंडक्टर पे पूरा जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा अरेंजमेंट दिखाऊंगा, दो प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स,
ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये दिखने में दो प्लेट्स हैं, सरफेसेस कितनी हैं? चार। इसके पास थिकनेस होगी ही होगी। अरे कोई भी चीज बिना थिकनेस के हो सकती है क्या? अरे कॉपर की प्लेट लाया, पतली है। अरे पतली है पर मास है ना, मास है तो क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम है तो क्या है उसके पास, थिकनेस है, बस खत्म। तो मेटलिक वाले पार्ट की थिकनेस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकते सवाल में लिख के दे थिन प्लेट, बच्चा कंफ्यूज, अच्छा थिन प्लेट है यार, अरे कितनी भी थिन हो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। और मेरे लिए इस प्लेट में प्लेट्स दो हैं, सरफेस कितनी है, चार। यहां पर क्या बनेंगी, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर। तो कितनी शीट्स ऑफ चार्ज बन सकती हैं, शीट्स ऑफ चार्ज कितनी बन सकती हैं, चार ना। अरे चार शीट्स बन गई ना, सरफेस वन अलग शीट, सरफेस टू अलग शीट, सरफेस थ्री अलग शीट और सरफेस फोर अलग शीट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने इलेक्ट्रो ढंग से पढ़ा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे। आपने एक प्लास्टिक की बॉल ली लेकिन उस पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कर दिया चार्ज का, तो कैसे बिहेव कर रहा है वो, यूनिफॉर्म शेल की तरह। उसके अंदर फील्ड क्या आएगा, जीरो। और बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। आपने कॉपर की बॉल दी, अच्छा कॉपर की बॉल पर क्या होगा, जो भी चार्ज दोगे वो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, यूनिफॉर्मली। तो मैटर तो क्या करता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंडक्टर्स है नॉन कंडक्टर्स है, वो सिर्फ एक माध्यम है, इट्स अ मीडियम उस डिस्ट्रीब्यूशन को सेट करने का। ये बोतल, ये प्लास्टिक की बोतल है, क्या इस प्लास्टिक की बोतल पे मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इस ढक्कन के सिर्फ ऊपर वाले सरफेस को चार्ज करके छोड़ दिया, क्या ये कहना पॉसिबल है मेरे लिए? मैं सोच लो आराम से, नॉन कंडक्टर है ये प्लास्टिक की बोतल, क्या मैं इसकी सिर्फ इस ढक्कन को चार्ज करके छोड़ सकता हूं क्या? अरे हाँ ना, अरे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, इसी जगह को रब कर रहा हूं तो चार्ज कहां आएगा, सिर्फ यही आएगा, वो कहीं और जाएगा ही नहीं, क्योंकि क्या है ये नॉन कंडक्टर। लेकिन मैं एक मेटलिक बोतल ले लूं, है किसी के पास मेटल वाली कोई चीज, चलो कोई बात नहीं, ये चलो ये मेटल का पेन मान लो इसको, मैं कहूं मैंने इसका ढक्कन को रब करा, वो देखो एक छुपा रहा है अभी, सर मेरी बोतल ले जाएंगे, नहीं मैं लेता हूं तो वापस दे देता हूं, ये मेटल का पेन है ला दे यार, मजा आएगा बच्चों को दिखाने में, फेंकना नहीं हाँ भारी होती है। हाँ भाई अब ये मेटलिक बोतल है, मैं कहता हूं मैंने इसका ढक्कन को रब करा, क्या पॉसिबल है कि चार्ज सिर्फ यहीं रह जाए, नहीं, क्या होगा वो पूरी पर डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। अब अगेन इस बोतल को दुनिया में कहीं भी ले जा करके रख दू, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो रहेगा, जहां जहां पर क्या है आपके पास, मेटलिक पार्ट है, इस बोतल के अंदर तो कैविटी है, समझ रहे हैं ना बात को, इसीलिए जब वो कैपेसिटर हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100% जीरो हमेशा कहां है, कहां अंदर, किसके अंदर, मेटल का है यहां, ये दो पॉइंट्स, यहां पर तो ई जीरो ही है और कहीं हो के नहीं हो, आ रही बात समझ में? तो क्या कंडक्टर पढ़ते हुए आपने प्लेट्स पढ़ी थी क्या, क्या पढ़ी है ना, अरे दो प्लेटों को पास लेकर के आए, पूरे सवाल एग्जांपल्स हैं शीट के अंदर है ना, तो क्या रिवाइज करके आना जरूरी है, स्पेशली प्लेट्स वाला पोर्शन। और जो काम की बात थी मैंने समझा दी, एक क्वेश्चन है आपके अच्छे से, इस पर क्यू वन चार्ज दिया क्यू टू चार्ज दिया, कैपेसिटर कभी खोल के देखा है किसी शीट में, देखा ही नहीं आज तक कभी खोल के, किसी ने देखा है कैपेसिटर अरेंजमेंट ऐसे ही दिखता है ना, वो कुछ दो प्लेटों वाला अरेंजमेंट, ठीक है। और कैपेसिटर अगर नहीं देखा है तो एक सबसे बेसिक चीज वो देखें, वो मेडिकल में डिफिब्रिलेटर यूज होते हैं, डिफिब्रिलेटर कोई मर रहा होता है आदमी तो उसको एक शॉक देते हैं, वो तो देखा है ना, अरे मूवी से देखते हो गए, पढ़ाई लिखाई तो बाहर में जाए क्या काम आती है, मूवी से देखते हो ना, है ना, देखनी चाहिए और क्या, फिर करोगे क्या,
है कि नहीं, पढ़ाई भी नहीं करी, मूवीज भी नहीं देखी, तो फिर क्या करने आए थे? जीवन व्यर्थ हो गया तुम्हारा पूरा ही। कुछ भी नहीं करा ना फिर तो, ना एंजॉय करा ना मेहनत करी, तो फिर क्या करा? तो एक चीज तो करनी चाहिए ना, और एक कर लोगे तो दूसरी अपने आप मिल जाती है, मतलब मेहनत कर लोगे तो एंजॉयमेंट अपने आप मिल जाता है। और बाकी ठीक है, कुछ लोग एंजॉय करते रहते हैं, मेहनत की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है, वो तो आदमी के मन पर डिपेंड करता है। खैर खैर एनीवेज, तो कुल मिलाकर के वो कैपेसिटर दिख रहा है, वो दो प्लेट्स, वो प्लेट्स ही होती है और कुछ नहीं होता है, एक तो प्लस की होता है एक तो माइनस की होता है। तो जैसे आप क्या करते हो उसके यहाँ बॉडी पे लगाते हो, तो अपनी बॉडी कंडक्टर है, तो वो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करा तो क्या फ्लो करा, करंट फ्लो करा, अल्टीमेटली एनर्जी फ्लो हुई ना एक तरह से। तो एनर्जी का क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट में फ्लो होता है, तो वो बेचारा आदमी जो है वो कभी कभी जिंदा हो जाता है, उसके हार्ट को पंप मिल जाता है ना एकदम से, वो कभी देखो तो कई बार जोर से मारते हैं। अब घर पे इमरजेंसी चाहिए तो डिफिब्रिलेटर थोड़ा लेके घूम रहे हैं घरों पर, है ना? फिर कोरोना आया तब से मास्क आया, सैनिटाइजर आया, ऑक्सीमीटर घर में आया हमारे नया, ये तो कोई 12-15 साल बाद नया कोई पैंडेमिक ऐसा है कि अचानक हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को, तो फिर वो डिफिब्रिलेटर भी घर में अवेलेबल हो जाएंगे सबके पास, कि अरे देखो हार्ट अटैक आ रहा है, उसको अरे लगाओ जल्दी चार्ज करो फटा, ले भाई बच गया हमारा, हमारा वाला बच गया। अभी घरों में थर्मामीटर होता था हमारे, ऑक्सीमीटर होता था हमारे घरों में, कभी थर्मामीटर होते थे बचपन से सबके यहाँ होते थे, अभी ऑक्सीमीटर नया आया, पर अभी टाइम लगेगा, 50-60 साल तक दोबारा तो नहीं आ रहा पेंडेमिक। अभी तुम्हारे, तुम 70-80 के हो तब आ जाए तो अलग बात है, बाकी मेरे ख्याल से मुझे तो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, पर शायद क्या पता मैं फिट रहूं तो 100-110 साल तक रहता रहूं तो आ जाए एक बात, और कोई बात नहीं। चलो अगर एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि वो कंडक्टर वाली चीज में भी स्पेशली क्या चीज हमें आनी चाहिए ढंग से, प्लेट्स वाला, हाँ ठीक है ना? अभी तो जो प्लेट्स की आपने थ्योरी पढ़ी है, तो आपकी पूरा एक क्वेश्चन रखा है, Q1 Q2 चार्ज दिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट्स याद है कि नहीं? इन दोनों पर कैसा चार्ज आएगा हमेशा, इक्वल, और अंदर पे कैसा आता है हमेशा, इक्वल एंड अपोजिट वाला। आएंगे करके रिवाइज हम कब तक करोगे, आज ही करना पड़ेगा और क्या है ना भाई, हाँ आज ही करेंगे और कब करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी तो था, हाँ तो आ जाएगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो। चलो तो ये ऑन प्लेट्स स्पेशली, तो इसमें से स्पेशली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स, और अगर वास्तव में बताएं आपको ये आता है तो कैपेसिटर का कॉम्प्लेक्स सवाल आप बहुत इजीली कर लोगे, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, आसान तो में आसान तो अपने आप ही कल शुरू हो जाएगा कि अच्छा कैपेसिटर होता है आपने बता दिया, अब उसमें क्या सोचना है। पर कॉम्प्लेक्स सवाल जब आएगा ना, कॉम्प्लेक्स सवाल इस पर बेस्ड होता है एक्चुअली में, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स वाली चीज हमें आनी चाहिए, तो ये तो हो गया आपका कंडक्टर का पार्ट। ओके टाइम है ना अभी हमारे पास, है अभी तो 2 मिनट है, ठीक है बहुत है 2 मिनट। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रो का पार्ट जो हमें आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तो ए कर देते हैं हम, तो उससे एक तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट शीट ऑफ चार्ज और ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स वाला पार्ट, ठीक है? इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इतना आता होगा तो फिर हम आगे कर लेंगे। ये फील्ड आता है हमें, अब 2 शीट आ गई तो फील्ड को ऐड करना है, कहां प्लस करना है कहां माइनस करना है हम सोच सकते हैं, ठीक है? 2 मिनट और बस, ठीक है इसको डाल दें ताकि कल हम आगे बढ़ सके। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यार फटाफट से, 3 ऑनलाइन वाले भी तो है ना बेचारे। ई नॉट क्या शो कर रहा है बेटा, ई नॉट यूनिफॉर्म फील्ड की वैल्यू शो कर रहा है, मतलब पता है मुझसे पूछ रहे हैं ई नॉट क्या शो कर रहा है, क्या हमें रिवीजन में ई नॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना भाई, ठीक है? अच्छा दूसरी चीज जो आपके पास वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा जो चैप्टर आपको आना चाहिए वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए इस चैप्टर को यहां तक हम लेकर के आए हैं। ये देखो जरा, तो करंट बेस हमें क्या आना चाहिए, बी इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें कि आपको ये KCL KVL वगैरह रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये कोई R2 हो गया, ये मैंने बैटरी ले ली E, ये स्मॉल R ले लिया, करंट कितना जल्दी बताओ सर्किट में, करंट कितना है, I बराबर E अपॉन स्मॉल R प्लस R1 प्लस R2। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस लिखना, A पॉइंट B पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट ई पॉइंट, जल्दी बताओ VAE कितना है, जल्दी बताओ VAE कितना, अबे 0,
यहां कोई रेजिस्टेंस है ही ना यार, ध्यान है ना। अरे वैसे तो वायर में हर जगह रेजिस्टेंस होता है, पर हर जगह होता है कि नहीं होता, लेकिन हम कैसे ट्रीट करते हैं कंडक्टर जो करंट पढ़ते हैं कि जहां दिखा रहा है वहीं मानना है, बाकी सब जगह रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये तो क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। अच्छा मैंने आपसे पूछ लिया वी ए बी, तो क्या लिखूं, तो क्या प्लस आई आर वन, मैं पूछता वी बी ए तो क्या लिखते, माइनस आई आर वन। अरे आगे ना, ठीक है ना भाई। अच्छा मैं सिर्फ इतना पूछता डेल्टा वी बिटवीन ए बी, इसका मतलब है सिर्फ क्या पूछ रहा हूं मैं, मोड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बस खत्म। तो आंसर क्या देता, आई आर वन। अरे करना आता है ना। अच्छा लूप रूल पूरा करते हैं हम, ये लूप रूल मान लो मैं डी डी से घूमता हूं, चलो ऐसे घूम रहा हूं मैं, एक मिनट एक मिनट, ये करंट में हमें आता ही नहीं आता कि करंट तो कैसा, करंट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, करंट क्या चल रहा है क्लॉकवाइज, करंट चल रहा है क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं क्या, आती है ना चीजें, हम आप मैं कोई भी, और जो घूमेगा फायदा उसी को होगा जो गार्डन में घूमेगा भाई। तो वीडीडी क्या हो गया आपके पास, वीडीडी क्या है जीरो, कैसे लिखेंगे हम यहां से चलना चालू, देखो पहले किसको क्रॉस करा आर टू को, यही होगा ना भाई, डी से डी जा रहा हूं मैं, डी टू डी जा रहा हूं, लेकिन कैसे जा रहा हूं मैं, किस डायरेक्शन जा रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चालू हुआ नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मैं जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो डी से गए पहले किसको क्रॉस करा आर टू को, जल्दी बोलो क्या लिखूं, अरे आर टू क्रॉस कर रहा हूं करंट के कैसे अपोजिट में, क्या लिखूं प्लस आई आर टू। अरे सोचो ना कहां से कहां जा रहे हो आप, सी से बी, तो बी और सी में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, बी का ज्यादा है आप, तो सी से बी जाओगे, आती ना ये सारी चीजें, ठीक है पक्का ना, क्योंकि ये चीजें आएगी तभी तो मैं भाई करंट, अरे करंट के बाद क्यों पढ़ा रहे हैं, सर्किट ही सॉल्व करने नहीं आएगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा फिर आगे कैपेसिटर के अंदर, सीधी सी बात है कि कैपेसिटर में तो प्लेट आएंगी प्लस क्यू माइनस क्यू, तुम्हें पता ही नहीं कौन हाई पोटेंशियल कौन लो पोटेंशियल, दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, तो ये प्लस आई आर टू, फिर आगे चले जल्दी बोलो, प्लस का आई आर वन, ये बैटरी क्रॉस करी, ये देखो बैटरी यूं क्रॉस कर रहे, ये ऐसा है बैटरी का ई ऐसा होता है, कैसा आएगा माइनस का ई, माइनस का एप्सिलॉन। हाँ भी रेजिस्टेंस क्रॉस करा ये वाला, कैसे करंट के अपोजिट, तो क्या आएगा प्लस का आई आर इक्वल टू जीरो, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें आते हैं कि नहीं आते हैं, बस। तो इतना पार्ट हमें ढंग से आता है, और हमें क्या पता समझने से कोई और मेरे अलावा नहीं रोक सकता है ना, मैं रोक दूँ अलग बात है। स्क्रीनशॉट फोर, तो अब हम कैपेसिटर के लिए रेडी हैं, तो नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे एक अच्छा खासा पार्ट कवर कर लें, इसलिए डिस्कशन वगैरह एक बार होल्ड पे रखा है। तो ये पी ए वन स्पेशली पूछ रहा हूं मैं भाई, कि ठीक है हमने पढ़ाई की बातें थोड़ी कम करी है, पर जो भी करी है समझ में आई कि नहीं आई है। अरे हाँ ना बोल रहे यार फटाफट, क्लियर है पक्का, डाउट पूछने में को डर है क्या, को डर तो नहीं डाउट में, किसको नहीं है, है? चलो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, अगर खुद मेहनत करोगे तो, खुद मेहनत करोगे तो कोई डरने की जरूरत नहीं, और खुद नहीं करोगे